हेलो एवरीवन, तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा इंट्राडे का डे कैसा रहा। और ओवरऑल आज मैंने दो ट्रेड लिए हुए हैं, तो दोनों ट्रेड में मेरा किस तरीके का यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। राइट, तो गाइस कल एक भाई का कमेंट आया था कि आप इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री किस बेसिस पे लेते हैं। ठीक है, तो उन्हें मतलब ये जानना था कि मैं किस बेसिस पे अपना एंट्री एंड स्टॉप लॉस रखता हूँ। राइट, तो उसको भी मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें इससे सीखने के लिए मिलेंगी। तो इसमें आज मैंने दो ट्रेड लिया, तो सबसे जो पहला ट्रेड था वो मेरा बंधन बैंक में था। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को साइकोलॉजी बताता हूँ कि देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे काम किया था। तो देखिए यहाँ पे आज हुआ क्या कि मार्केट देखिए सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेलअप हो चुका था। राइट, तो अब यहाँ से एक्सपेक्टेड एक पुल बैक था। ठीक है, तो पुल बैक के बाद मैं कंटिन्यूएशन का सोच रहा था कि यहाँ पे फिर से मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो मेरा पूरा ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मतलब मार्केट इतना नीचे आए फिर से ऊपर जाके और फिर से बहुत बड़ा फॉल करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा यहाँ पे मोमेंटम कर चुका था, ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पे सेलर्स को पैसा मिल चुका था। राइट, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि यहाँ से जब नीचे आया तो थोड़ा सा ये जब ऊपर गया तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा बहुत ये इस लेवल तक का अराउंड आना चाहिए। क्यों ऐसा मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो चलिए मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लगातार तीन चार यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल बन गया था, तो एक यहाँ पे पुल बैक एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ से अगर मैं आप लोगों को फिबोनाची यहाँ से लो टू यहाँ पे हाई अगर ड्रॉ करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप लोग देखिए अराउंड जब भी मार्केट पुल बैक लेता है तो ये एडवांस पॉइंट है थोड़ा सा। जब भी मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेता है तो अराउंड ये 0.5 से यहाँ पे 61% के बीच में ये यहाँ तक का आना चाहिए। ठीक है, मतलब मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि जब भी मार्केट पुल बैक करता है तो इस लेवल पे आने के बाद से फिर वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है या फिर रिवर्सल को कंटिन्यू करता है। राइट, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए ये 38% के लेवल से यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। तो गाइज यहाँ पे देखिए मैंने अराउंड इसी लेवल पे एंट्री ली थी, अराउंड जब ये ग्रीन कैंडल बना और इसका जब लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस रेड कैंडल पे मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली थी, एंड स्टॉप लॉस इसी ग्रीन कैंडल के मैंने हाई पे यहाँ पे लगाया था, एंड यहाँ पे मैं 1:2 के लिए ट्राई कर रहा था। मार्केट थोड़ा सा मेरे फेवर में भी रहा और अराउंड यहाँ पे मेरा 1:1.5 तक का मार्केट आया, देख सकते हैं आप लोग इस लेवल तक का मार्केट आया और उसके बाद ये पुल बैक कर गया। ठीक है, तो अराउंड एक ही ग्रीन कैंडल ने मेरे यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस हिट कर दिया, क्योंकि मैं अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ एकदम इंटैक्ट रहता हूँ, मतलब उसके पहले मैं ट्रेड को एग्जिट नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मेरा यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर की ओर चला गया। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ओनली इतना था कि मार्केट अराउंड 50% तक तो मतलब पुल बैक करता, उसके बाद ये ऊपर जाता तो फिर मेरा यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया रहता। राइट, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा से हमारा टारगेट बच गया। एंड जो मैंने सेकेंड ट्रेड लिया था वो मैंने लिया था डीएलएफ पे, तो डीएलएफ का चार्ट यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। तो देखिए इसमें मेरा ट्रेड लेने का पीछे का रीज़न क्या था, तो देखिए ये एक बहुत ही यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट था, ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था उसके बाद रेजिस्टेंस का काम करने लगा जो ये लेवल है। राइट, तो देख लीजिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे चल के यहाँ पे दिखा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, उसके पहले भी मैं जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रहा है और उसके पहले यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो मतलब ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, क्योंकि आज देखिए मॉर्निंग में ही यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेलअप हुआ, फिर इसको एज ए मैं पुल बैक कंसिडर कर रहा था, क्योंकि बहुत बार से क्या होता है ये इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना के फिर से ये अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो वही मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में आज काफ़ी ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हैं, तो थोड़ा सा पुल बैक आएगा और उसके बाद फिर से अपने ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे मेरे को एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे कैंडल मिला था, तो इसी के लो के नीचे मैंने अपना एंट्री एक्टिवेट कराया और इसी के हाई पे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा था। राइट, तो देखिए यहाँ पे ये जो रेड वाला कैंडल है इसने मेरी एंट्री को एक्टिवेट कराया एंड उसके बाद सडन यहाँ पे जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो दोनों आज के मेरे ट्रेड में दोनों में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को अपना लाइव पोजीशन दिखा देता हूँ कि कितने का मैंने ट्रेड लिया हुआ था और कितने का मुझे यहाँ पे दोनों ट्रेड में लॉस हुआ है। राइट, तो चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन लगा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन शो हो रहा होगा। और यहाँ से सबसे पहले मैं ऑर्डर्स पे चला जाता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डीएलएफ पे मेरा 45 क्वांटिटीज़ में मैंने सेल ऑर्डर लगाया हुआ है
और उसको बुक करने के लिए ये बाइंग ऑर्डर है, और उसके ऊपर ये बंधन बैंक का एक सेल ऑर्डर है और एक बाइंग ऑर्डर है, राइट। तो चलिए ये सारे ऑर्डर्स हैं, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को पोर्टफोलियो पे ले जाके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो पे आ गया, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं सबसे पहले रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बंधन बैंक में 49 रुपीज़ का लॉस है, एंड यहाँ पे DLF पे 54 रुपीज़ का लॉस है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 103 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस लॉस शो हो रहा होगा। तो आज का ओवरऑल हमारा डे लॉस में रहा है। और गाइज अगर आप लोग हमारे इस इंट्राडे जर्नी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।